हाय गाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लग्जरी होम चैनल्स। टुडे अगेन आई एम गोइंग टू शो यू द बिल्डर फ्लोर विच इज अवेलेबल फॉर सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू सम ऑफ द लोकेशन अराउंड व्हाट इज हेयर। सो दिस वन इज वेरी वीक पार्क, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के आसपास का लोकेशन दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ताकि आप अगर घर परचेस करते हो तो आपको ये चीज़ का मालूम होना चाहिए, आपके फैसिलिटी के मतलब का है या नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में पार्क है और मार्केट हुआ है, जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्केट होगा, क्लब है, जिम है, एवरी थिंग इज नियर बाय। तो द प्रॉपर्टी दैट इज अवेलेबल फॉर द सेल, द लोकेशन इज डिप्लोमेटिक एरिया इन बसंत विहार, जस्ट नियर बाई इज मार्चा मार्ग एंड ऑल्सो इज अमेरिकन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, ब्रिटिश स्कूल। एवरी थिंग इज डिस्टेंस एटलीस्ट 5 to 6 किलोमीटर। सो लेट्स गो, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाहर का इसका रोड है, जो अपार्टमेंट का बाहर का रोड है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रोड है। और दिस वन इज मेन बिल्डिंग, ये अपार्टमेंट है जिसमें मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है थर्ड फ्लोर विद टेरेस, जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। और सेलिंग प्राइस है 11 CR, प्राइस डिटेल नेगोशिएबल है। मेरा दिखाने का ये मकसद था ताकि आपको आसपास के एरिया का छुपा पाऊँ। और दिस वन इज कार पार्किंग, सो 2 कार पार्किंग ईच फ्लोर। And this gate is separate, only 2nd and 3rd floor. Swanish private lift. तो चलिए मैं आपको घर अंदर से दिखाता हूँ कि कैसा बना हुआ है और क्या क्या फैसिलिटी है इस घर के अंदर। ये मास्टर बेडरूम है, अभी तक इस बिल्डिंग में किसी ने रहा नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। और अगर आप इस अपार्टमेंट को खरीद कर रेंट पे देना चाहते हैं तो इजीली आपको 3 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ रेंट इनकम आना शुरू हो जाएगा। ऑल्सो अटैच बालकनी। बाथरूम्स ऑल्सो मॉड्यूलर। तो सर, कई लोग ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, तो सर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सर इस लोकेशन पे प्राइस यही होता है, बट जो ओनर आस्किंग प्राइस है वो नेगोशिएबल हो जाता है सर। ऐसा नहीं है कि जो प्राइस है वो ही फिक्स होगा, तो पहले आप चीज़ पसंद कीजिए, उसके बाद प्राइस के ऊपर नेगोशिएशन कर सकते हैं ओनर के साथ। और डेफिनेटली और भी मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होता है कम बजट में भी, तो अगर आप किसी का कोई रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं।
this space is for the living and dining area. So ये space जो दिया हुआ है living and dining area के लिए दिया हुआ है. और AC also same like hot and cool, because आज के डेट में जितने भी अपार्टमेंट बन रहे हैं तो जो अच्छे बिल्डर्स होते हैं वो AC जो है वो हॉट एंड कूल ही इंस्टॉल कर रहे हैं. और ये साउथ दिल्ली का सबसे बेस्ट बिल्डर का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है. अटैच बालकनी. सो लेट्स गो, मैं आपको इसका किचन दिखाता हूँ कि किचन कैसा बना हुआ है. सी द किचन इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड बिकम द वेरी बेस्ट अपार्टमेंट ऑफ द स्मॉल फैमिली. सो ऑल मॉडलर किचन, माइक्रोवेव ओवन, चिमनी. दिस स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर, ये फ्रिज के लिए जगह दिया हुआ है कि आप यहाँ पे फ्रिज इंस्टॉल कर सकते हैं. और ऑल्सो AC इज देयर. दिस वन इज डिश वॉशर. सो लेट्स गो, चलिए मैं और आपको इस अपार्टमेंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है वो भी दिखाता हूँ. ये स्मॉल स्टोरेज दिया हुआ है कि आप स्टोर के लिए स्पेस दिया हुआ है. दिस वन इज पाउडर रूम, गेस्ट टॉयलेट है. आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया हुआ बिल्कुल. तो सर प्लीज, आप किसी का कोई इंक्वायरी हो तो आप जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं. मेरे पास हर बजट का प्रॉपर्टी अवेलेबल होता है रेंट या सेल के लिए. एक दो चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एक दो जेंटलमैन का मेरे पास फोन आया था तो वो कह रहे थे यार आपका प्राइस बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है. तो मैं सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं प्राइस वही आपको कोट करता हूँ जो ओनर की तरफ से एक्सपेक्टेशन होता है. मैं अपने तरफ से बिल्कुल भी प्राइस नहीं करता हूँ. ये सेपरेट स्पेस दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए, तो मैं ये कह रहा था कि मैं अपने तरफ से प्राइस बिल्कुल भी कोट नहीं करता हूँ. और आप भी जानते हैं कि जो प्राइस कोट करते हैं उस प्राइस पर कभी भी ना तो कोई चीज़ बिक सकता है ना आप रेंट पर ले सकते हैं. तो हर प्राइस में नेगोशिएशन होता ही होता है. तो मैं बस वही प्राइस कोट करता हूँ जो ओनर की तरफ से मुझे बताया जाता है कि मुझे इस प्राइस पे सेल करना है या रेंट पे देना है. बट हर प्राइस में नेगोशिएशन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि फिक्स प्राइस होता है. जैसे इसका डिमांड है 11 CR का, बट नेगोशिएबल है. अगर आपको चीज़ पसंद आता है फिर हम ऑन द टेबल बैठ के नेगोशिएशन कर सकते हैं. दिस वन इज सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट. ऑल्सो अटैच बाथरूम.
400 अटैच बालकनी। इस बिल्डर फ्लोर का सबसे अच्छा बात यह है कि हर बेडरूम के साथ अटैच बालकनी है। थर्ड बेडरूम, तीसरा कमरा है ये इस अपार्टमेंट का। So this one is fourth bedroom. ये इस अपार्टमेंट का लास्ट और आखिरी बेडरूम है, चौथा कमरा है ये फोर्थ बेडरूम। ऑल्सो लाइक अटैच बालकनी। इस अपार्टमेंट का परचेस करने का आपको एक फायदा है कि इसके साथ आपको टेरेस मिलेगा, जो कि आप टेरेस के ऊपर ग्रास, आर्टिफिशियल ग्रास या जो भी आप जितना चाहे वो अपने मनपसंद से आप उसके ऊपर पौधे लगा सकते हैं और अपने टेरेस को सुंदर बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और टेरेस राइट ओनली फॉर दिस फ्लोर, ओनली थर्ड फ्लोर के साथ होता है टेरेस राइट, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है। So let's go on the terrace। चलिए अब मैं आपको इसका टेरेस के ऊपर लेकर चलता हूँ कि टेरेस कैसा बना हुआ है। लिफ्ट बिल्कुल टेरेस से कनेक्टेड है, टेरेस तक लिफ्ट आती है। और दिस वन इज वेरी बिग टेरेस, ये बहुत ही बड़ा टेरेस है, आप देख सकते हैं। ये दूसरे साइड का टेरेस था। ये टेरेस बिल्कुल ओनली सिर्फ और सिर्फ थर्ड फ्लोर के साथ मिलेगा, और भी कोई फ्लोर के साथ नहीं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफ पार्ट हो जाता है। तो
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, जो आप इतना सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।